आज पिहोवा नहरी रेस्ट हाउस में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन आदरणीय धूमन सिंह केमज पहुंचे। पिहोवा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से फूलमालाएं पहनाकर आदरणीय धूमन सिंह जी का स्वागत किया। धूमन सिंह ने कहा कि जो कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें सौंपा है उस पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे और जो माँ सरस्वती का मंदिर है शायद ही इतना प्राचीन कोई मंदिर हो। सरस्वती मंदिर आस्था का स्तंभ है। माँ सरस्वती का जो कार्य मुझे मिला है मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। माँ सरस्वती मंदिर में माथा टेकने के बाद आदरणीय धूमन जी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और वहां पर माथा टेक कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश पुरोहित जी, महामंत्री रमेश वर्मा, सतपाल सरपंच विक्की वर्मा, युधिष्ठिर बहल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयसिंह पाल व सह मीडिया प्रभारी रविन्द्र सिंह आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये जो जिम्मेवारी मुझे दी है, एक्चुअल में ये कोई ऐसा पद नहीं है कि जिससे कि सम्मानित महसूस किया जाए, ये एक जिम्मेवारी भरा पद है। इसमें बहुत ज़्यादा काम हमें करना पड़ेगा क्योंकि आदि बद्री से लेकर जो ऋग्वैदिक हमारी सरस्वती है, जिसको हम वैसे भी भाषा में बोल देते हैं कि आपके कंठ में सरस्वती निवास करती है, तो यानी कि माँ लक्ष्मी और सरस्वती का जिस भी व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद है वो व्यक्ति पारंगत माना जाता है। तो उस सरस्वती माता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है। मैं आप सभी साथियों के सहयोग से इस जिम्मेवारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अभी जो पेवा में जिस तरह की क्योंकि पेवा सरस्वती को लेकर जितना प्राचीन तीर्थ है, मुझे लगता है कि आसपास कोई तीर्थ भी नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा है कि पेवा तीर्थ जो है ब्रह्म सरोवर से भी पुराना तीर्थ है। तो इस तीर्थ की सेवा करने में आप सभी साथियों का सहयोग को लेकर हम सेवा करेंगे। इसी को लेकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी।